दोस्तों जय बद्री विशाल, अगर आप लोग उत्तराखंड बर्फबारी और हिल स्टेशन पे घूमने आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में अभी तक बर्फबारी हुई नहीं है। ऐसे में कहाँ का आप रुक कर सकते हो ये मैं बता रहा हूँ, और शिव शंकर तो हर किसी को अपनी कृपा देते हैं। ये है टिम्बरसैन महादेव। चमोली जब पहुँचोगे आप तो जोशीमठ और औली जाओगे, तो वहाँ से नीति घाटी जो कि चीन बॉर्डर की तरफ पड़ता है वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे ये बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान है, टिम्बरसैन महादेव। और इनको जो ये दिखाई दे रही बर्फ, ये भोलेनाथ की जटा भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ 6 महीने भोलेनाथ शिव के अवतार में दिखाई देते हैं। और जो ये शीतकाल होता है इस समय बर्फ़ का आकार ले चुके होते हैं, जैसे बाबा बर्फानी में है तो यहाँ पे छोटा अमरनाथ कहते हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड आ रहे हो, और इस समय तो बर्फबारी तो खैर कहीं भी नहीं हुई है अभी उत्तराखंड में, तो यहाँ आप जा सकते हैं। ठंड है, गर्म कपड़ों के साथ यहाँ पर आप भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये सामने पर दिखाई दे रहे हैं भोलेनाथ, यहीं अंदर ये जो सामने दिखाई दे रही, यहाँ के भोलेनाथ की एक अपनी परंपरा है। यहाँ पहाड़ी से टपकते हुए पानी से ही भोलेनाथ का स्नान होता है, और ये पूरी उनकी गुफा है। यहाँ पे ये अंतिम गांव जो है नीति महादेव, ऊपर नीति में पहुँचने के बाद यहाँ के लिए आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है, और ये हर वर्ष यहाँ अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ये भोलेनाथ की अपनी कृपा है। 6 महीने तो यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और 6 महीने पूरे शिवलिंग के ऊपर बर्फ़ भी बर्फ़ जमी हुई होती है। जो पानी यहाँ टपकती है वो पूरी तरह से जम जाती है, और इतना अद्भुत, अपने आप में इतना अद्भुत नज़ारा होता है। अगर आप लोग पहुँचें तो वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, ठंड ज़रूर होती है, ठंड तो -15 से 20 के आसपास यहाँ पर होता होगा, देख सकते हैं, क्योंकि धूप इस समय पड़ी है, और धूप में भी यहाँ पर बर्फ़ पिघल नहीं रही है, और हर तरफ सिर्फ बर्फ़। ये गुफा उस पहाड़ी पे ऐसी है जहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलती है, मतलब बर्फ़ पानी से बनी हुई बर्फ़, और इतनी अद्भुत अपने आप में दिखती है, ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इतना अद्भुत भगवान भोलेनाथ का जो ये दृश्य है, भोलेनाथ का जो ये नज़ारा है, भगवान भोलेनाथ अपने आप में बहुत अद्भुत, ये क्योंकि उत्तराखंड तो भोलेनाथ ही देखने को, जहाँ जाओ शिव मंदिर देखने को मिलते हैं, तो ये पहाड़ी पे है और अपने आप में अकेले में है। और यहाँ पे लोग जाते हैं, स्थानीय लोग जाते हैं, लेकिन आप लोगों को भी अगर यहाँ पहुँचना है, उत्तराखंड आ रहे हैं, औली आ रहे हैं, बर्फ़ देखने आ रहे हो, तो अभी बर्फ़बारी तो हुई नहीं, लेकिन यहाँ पर जाके आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और भोलेनाथ का इतना अद्भुत दर्शन शायद ही आपको पहले कभी हुए हो, ये अपने आप में बहुत अद्भुत भोलेनाथ हैं, तो ये बहुत अद्भुत है। ये जोशीमठ, चमोली, जोशीमठ उत्तराखंड में, वहाँ से भारत चीन सीमा की तरफ नीति घाटी में पड़ता है। तो दोस्तों जो भी हो, जैसा लगे, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ।